अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आ रहा है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरे हैंड टेम रिंग नेक पैरट्स, और इन्होंने एग्स ले किए हैं। इनके एग्स आज मैं चेक करने वाला हूँ कि वो फर्टाइल है भी या नहीं है और कितने एग्स ही हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह मेरा मेल है और ये तकरीबन कुछ 2.5-3 साल एज है इसकी, और इसकी फ़ीमेल जो सी है वो इस वक्त एग्स पर बैठी हुई है। मैं आपको इसकी फ़ीमेल भी दिखाता हूँ। ये इसकी फीमेल बैठी हुई माशाल्लाह। अंदर तो मोबाइल नहीं जा सकेगा आई थिंक इसके बॉक्स में। मैं आपको इसका बॉक्स साइड से खोल के चेक करूँ। अच्छा, अभी ये फीमेल थोड़ी सी एग्रेसिव भी हो गई है मोबाइल देख के, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है शायद। इसको चलें क्रेट, ये बाहर आ गई है। अच्छा, इसको फीमेल को मेरे ख्याल में निकाल लेता हूँ बाहर। इसको मैं शिफ्ट करता हूँ एक दूसरे केज में। वो वापस चली गई है एग्स की वजह से। एनी वेज, मैं इसको दोबारा निकालता हूँ, इसको दूसरे केज में शिफ्ट करके मैं आपको इसके एग्स दिखाता हूँ। तो एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। इसे काटते नहीं हैं, हैंड टाइम है क्योंकि, और ये मेल तो इजीली आ जाएगा बाहर। इसको मैं यहाँ पे इस केज में शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये बॉक्स मैंने थोड़ा सा टेढ़ा किया है, फीमेल को भी निकाल दिया है। ये फीमेल को अब मैं दूसरे केज में शिफ्ट करने लगा हूँ, और अभी से ज़रा शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इनके एग्स को चेक करना ज़रा ज़्यादा सेफ़ होता है। इनके सामने चेक करना ना, आई बिलीव वो इतना ठीक नहीं होता, बट थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती। तो ये इनको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ और फिर मैं आपको एग्स दिखाता हूँ इनके। अच्छा जी, ये मैं इनका बॉक्स खोल रहा हूँ, सी के कितने एग्स हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह ये 4 एग्स हैं। इनकी फर्टिलिटी हम चेक नहीं करेंगे कि ये फर्टाइल है भी या नहीं, अब इनकी तरफ फर्टिलिटी चेक करते हैं। ये एग्स मैंने निकाल ली हैं, मैं अब इनको अंदर ले जाने लगा हूँ, और अंधेरे में मैं मोबाइल की टॉर्च में इनकी फर्टिलिटी चेक करूँगा कैंडलिंग प्रोसेस से। तो लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा जी, मेरा कैंडलिंग करने का प्रोसेस कुछ यूँ होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक फ़ोन की लाइट ऑन करके उसको उल्टा करके रख देता हूँ और एग को उसके ऊपर रखता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये देखिए, वैसे तो ये ऑलरेडी अंदाज़ा हो रहा है कि ये एग फर्टाइल है माशाल्लाह। लाइट ऑफ करते हैं तो हम एग की इनसाइड्स को ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। तो अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, ये एम्ब्रियो, ये मतलब अभी डेवलपमेंट के शुरू के फर्स्ट वीक के अंदर है। अच्छा, और दूसरे को चेक करते हैं। ये माशाल्लाह ये कंपैरेटिवली ज़रा ज़्यादा बना हुआ है, और इसमें आप अगर ये देख सकें जो रूट्स हैं, ये बेसिकली ये चिक की जो है वो वेंस डेवलप हो रही हैं जो बॉडी के अंदर। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, आप इसको अगर गौर करें, ये एक्चुअली ये चिक का हार्ट है, और ये हल्का हल्का आपको अगर इसमें मूवमेंट फील हो रही है, बेसिकली हार्ट बीट कर रहा है, अगर आप इस चीज़ को फील कर सकें। एग तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, लेकिन इसके अंदर देखें मूवमेंट हो रही है। तो ये माशाल्लाह ये चेक इसके अंदर हेल्दी चेक एक डेवलप हो रहा है। इसी तरह एक और एक चेक करते हैं, ये देखें इसके अंदर भी माशाल्लाह जो है वो रूट्स डेवलप हुई हैं, और ये देखें जी इसके अंदर भी सेम वैसे ही हल्की हल्की मूवमेंट है। ये बेसिकली हार्ट है, ये हार्ट अंदर पंप कर रहा है, तो ये उसकी वजह से हल्की हल्की मूवमेंट फील हो रही होती है। अच्छा, लास्ट एक चेक करते हैं। अच्छा, ये है लास्ट एग, ये मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा। उसकी वजह ये है कि ये मोस्टली पार्ट जो है उसके अंदर जो है वो रूट्स नहीं बनी हुई और वो क्लियर है, और कुछ पार्ट है जो बहुत ज़्यादा डार्क है। इसमें चांसेस कम है सेक के, लेकिन ये जो बाकी 3 एग्स हैं इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि इंशाल्लाह सही होंगे। तो अब मैं इनको वापस रखता हूँ, और फिर जब चिक्स निकलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा शेयर भी करूँगा। अच्छा जी, तो अब इनके एग्स मैं वापस रखने लगा हूँ, और उसके बाद मैं इनको पैरट्स को वापस से इनके बॉक्स के साथ छोड़ दूंगा। अभी दोनों ज़रा तजस्सुस में है कि क्या हो रहा है, दोनों को समझ नहीं आ रही। एनीवेज, इनको फिर वापस। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप अगर कभी भी एग्स को उठाते हैं चेक करने के लिए, कोशिश करें उनको उसी पोजीशन में, उसी जगह पे ही बॉक्स में वापस रखें जिस जगह बर्ड ने ख़ुद रखा हुआ था। तो ये कंपैरेटिवली ना ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय कि एग्स जो है वो किसी और साइड पे पड़े हों तो बर्ड उसमें ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब मैं इनको वापस छोड़ने लगा हूँ बॉक्स को सीधा करके। ओके,
अब मैं इनको वापस छोड़ने लगा हूँ, आई होप ये फीमेल दोबारा फौरन से बॉक्स में चली जाएगी। अभी थोड़ा सा हेजिटेट कर रही है, बट आई होप चली जाएगी। तो एनीवेज ये हैं मेरे हैंड टेम पैरट्स और इनके फर्स्ट चिक्स। तो चिक्स निकलेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाऊंगा इनके चिक्स, कितने चिक्स निकलते हैं और कैसे लगते हैं और उनकी ग्रोथ किस तरह से होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।